हे गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने फेसबुक डिजिटल अकाउंट को रीओपन कैसे करें। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक ब्राउजर सेलेक्ट कर लेना है। आपके पास कोई सा भी ब्राउजर हो चलेगा, जैसे क्रोम ब्राउजर है, कोई सा भी ब्राउजर, जैसे कि मेरे पास एक ईवी ब्राउजर था तो हमने इसे ओपन कर लिया है। सिंपली आपको करना क्या है, अपना आपको यहाँ पे मेल और पासवर्ड एंटर कर लेना है, ठीक है। जैसे जिस भाई का मेल और पासवर्ड है, यानी अकाउंट है, उसका हमने यहाँ पे एंटर कर लिया है। सिंपली अब हमें करना क्या है, इसे चेक करके उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे चेकआउट करा देते हैं कि जो अकाउंट है ये डिसेबल कर दिया गया है। यहाँ पे हिंदी में, थोड़ा इसे इंग्लिश कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, योर अकाउंट हैज़ बिन डिसेबल, यानी ये जो हमारा अकाउंट है ये हमारा बंद कर दिया गया, परमानेंट बंद कर दिया गया है। और इसे अगर दोस्तों रीओपन करना चाहते हैं तो किस तरीके से करें, और अगर रीओपन होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ओके। उसके बाद अभी आप सोच रहे होंगे, यार ये डिसेबल हो गया है, अकाउंट ओपन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, अकाउंट होगा ओपन, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन किस तरीके से करना है वो आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है, जैसे दोस्तों मैं करूँगा वैसे आपको सिंपली करना है, यानी कि हमारा जो स्टेप है वो आपको फॉलो करना है। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं योर फीडबैक अबाउट प्रोफाइल, ठीक है, आपको भी ऐसे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक लिंक आएगा, जैसे कि जो सामने इंटरफेस इस तरीके से आएगा, और एक जो पहला वाला लिंक रहेगा, जस्ट आपको इसी पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं हमारे सामने किस तरीके से इंटरफेस आने वाला है। सो गाइस, यहाँ पे हमने आईडी को लॉगिन कर लिया था, जैसे कि आप देखे ही थे, तो हमारा यहाँ पे ईमेल ऑप्शन नहीं दे रहा है क्योंकि हमारा आईडी लॉगिन था। सिंपली आपको यहाँ पे सब्जेक्ट अपना डाल लेना है, और आपको यहाँ पे एक अपील डाल लेना है, जैसे कि मैं अपील ऑलरेडी बना रखा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको अपील बनाना नहीं आता है तो आप मेरा अपील आप कॉपी कर सकते हैं, जो कि मैं आप अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। सिंपली आप वहाँ से कॉपी कर लेना, ओके। उसके बाद आप नीचे वाले ऑप्शन पर आते हैं, इस ऑप्शन में दोस्तों से पूछ रहा है कि आप कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपली एंड्रॉयड फ़ोन पे क्लिक कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम इसे हटा देते हैं, और हमें अब करना क्या है, एक अपील यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि मैं अपील दोस्तों पहले से बताया था कि मैं अपील यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा हूँ, तो आपको सिंपली इस तरीके से बना लेना है, और नीचे की तरफ आपको अपना इन्फॉर्मेशन दे देना है, जैसे कि आप जिस कंट्री से हो, कंट्री नेम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे करके सिंपली आपको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो गाइस, उसके बाद करना क्या है, आपको यहाँ पे सेंड कर देना है। तो चलिए यहाँ से हम कर देते हैं सेंड पे क्लिक। तो गाइस, यहाँ से हमारा ये सेंड हो चुका है। उसके बाद अभी हमें करना क्या है, वो स्टेप आपको ज़रूर फॉलो करना है, यानी कि आपको अगर वीडियो फॉलो वॉच करते हैं तो आपका अकाउंट 100% ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आ चुका है गेट हेल्प, ठीक है। अभी इसके बाद दोस्तों आप सोच रहे होंगे इसके बाद करना क्या है, दोस्तों आपको वीडियो वॉच कर लेना है। उसको जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है कन्फर्म योर आइडेंटिटी, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम कन्फर्म योर आइडेंटिटी सर्च कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट वाला यहाँ पे जो लिंक्स है, जस्ट हम इस पर क्लिक करके यहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसे हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, यानी कि जिस डॉक्यूमेंट से हमारा अकाउंट वेरीफाइड हुआ हो या जिस नेम से है उसे यहाँ पे आपको अटैच कर लेना है। तो फटाफट हमने अटैच यहाँ पे कर लिया है। उसके बाद हमें करना क्या है दोस्तों, हमें यहाँ पे कर देना है सेंड, ठीक है। इसे भी यहाँ पे हम कर देते हैं सेंड। तो जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी आ गया है, गेट हेल्प का ऑप्शन आ चुका है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है वो भी कर लेते हैं, यानी कि अगर दोस्तों अकाउंट ओपन करना है तो हमें स्टेप तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना दोस्तों। तो चलिए यहाँ से भी कर लेते हैं। आपको यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक फीडबैक देना है, ठीक है, फेसबुक टीम को फीडबैक देना है आपको जस्ट यहाँ पे। तो चलिए यहाँ से हम फीडबैक देने के लिए यहाँ पे अपील यहाँ पे भी आपको सेंड कर देना है, जिसमें आपका मतलब कि जो अकाउंट है जल्दी ओपन हो सके। दोस्तों और भी हमारे पास ऑप्शन है, जैसे कि हम आपके अकाउंट बैक ला सकते हैं, जैसे कि बोले तो जीमेल से जो अपील करते हैं उसका भी ऑप्शन है। फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। सो दोस्तों, आपको यहाँ से भी फीडबैक देने के बाद आपको करना क्या है, आपको कम से कम 272 घंटा वेट कर लेना है। तो यहाँ से हमने फीडबैक कर दिया है, अभी हमें करना क्या है, 72 घंटा वेट कर लेना है। तब तक आपको आईडी को लॉगिन नहीं करना है, जब तक आपके पास कोई फेसबुक टीम की तरफ से कोई मतलब कॉन्टैक्ट मेल मैसेज वगैरह नहीं आता है, तब तक आपको ओपन नहीं करना है। तो चलिए गाइस, यहाँ से वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।